हेलो गाइस, दिस इज पीएपी ब्लॉग्स अगेन विद द न्यू वीडियो। तो गाइस, आज जो हम जा रहे हैं वांगन धोज, मतलब गुजरात में बोलते हैं वांगन रोड और इंग्लिश में बोलते हैं वांगन वाटरफॉल। तो आज हम निकल रहे हैं सुबह 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 के बज गए हैं शायद 10:45, बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है और धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो कोई नहीं, वैसे भी मानसून तो ख़त्म होने वाला है अभी, तो देखते रहिए, स्टे ट्यून गाइस, एंजॉय द टाइम। गाइस, हमने वासदा वगैरह हाईवे से राइट टर्न ले लिया जो कि एक शॉर्टकट है, तो हम शॉर्टकट से जाएंगे और यहाँ से सीधा सीतापुर चौकड़ी निकलेंगे, फिर सीतापुर चौकड़ी से हम जाएंगे आंबापानी हाईवे, मतलब जो कि एक हाईवे जैसा टाइप है जो सीधा वांगन वाटरफॉल तक हमको लेके जाएगा। तो स्टे ट्यून। गाइस, हम लोग आ गए हैं आंबापानी रूट पे जो कि एक हाईवे है, और हाईवे की लेफ्ट साइड से जो एक व्यू आ रहा है, अल्टीमेट व्यू, हिल और ग्रीनरी, बहुत ही बड़े व्यू आ रहा है। तो गाइस, अभी स्किप मत करना वीडियो को, क्योंकि आगे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट आने वाला है, इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है। सो स्टे ट्यून। ओके गाइस, लेट्स गो, आगे मिलते हैं। गाइस, मैंने अभी पिछला व्लॉग था अपना कलम डोंगर का, और उसके पीछे था अनबॉक्सिंग टाइप, तो उसमें मतलब मेरे कुछ अल्टीमेट मतलब छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती थी, तो उसमें सब लोग बोलते थे कि स्क्रिप्ट लिखो, स्क्रिप्ट पे काम करो, तो वीडियो में जो मिस्टेक्स होती है वो मिस्टेक नहीं होगी। तो मैंने ट्राई भी किया था, लेकिन लाइक मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था, तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो ना, क्या कर सकते हैं यार, अब जितना मतलब माइंड में है जितना बोल सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। चलो कोई नहीं गाइस, मैं ट्राई करूँगा आपको अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट दूँ, अच्छे से अच्छा मतलब जो मैं बोलता हूँ वो आपको कुछ समझ में आ जाए, ऐसा इजीली बोलूँगा। ठीक है गाइस, ओके लेट्स गो, आगे चलते हैं। देखो गाइस, आगे व्यूज़ बहुत ही अच्छा आ रहा है, और हमने ये लिए वांगन वाटरफॉल के तरफ एक, शायद हम रूट भूल गए पहले तो पीछे हमने टर्न ले लिया। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं, और आगे मिलता है एक अल्टीमेट व्यू, पहाड़ों के बीच में से हम जा रहे हैं। एंड यार, एक बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है कि यहाँ का रोड्स यार बहुत मतलब जहाँ जहाँ होता है वहाँ खड्डे ही खड्डे, खड्डे ही खड्डे। सो होप सो गवर्नमेंट विल वर्क ऑन दिस। ओके लेट्स गो। गाइस, हम लोग बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, बहुत ही कम डिस्टेंस बाकी रहा है आंकड़ा वाटरफॉल। सॉरी गाइस, मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में ही गलती कर दी थी कि उसका नाम, ये जो वाटरफॉल नाम वाटरफॉल है उसका नाम है आंकड़ा वाटरफॉल, जो कि वांगन विलेज में आया है, वांगन गांव में आया है इसलिए। लेकिन आप कभी भी मतलब मैप में सर्च करोगे तो आपको वांगन वाटरफॉल ही लिखना पड़ेगा, तभी ये इसका लोकेशन एक्यूरेट इसी जगह का आपको बताएगा मैप में, गूगल मैप में। ओके गाइस, चलो आगे चलते हैं। गाइस, हम लोग पहुंच गए यहाँ पे वांगन वाटरफॉल। तो ये मेरे फ्रेंड्स है, तो हाय बोल लो सब। हाय। हाँ, फिर से बोल। तो गाइस, बीच बीच में रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, और इस बार आपने देख लिया होगा कि वीडियो में जो स्टेबिलिटी है बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि मैं अपना मोजामिनी गिम्बल यूज़ कर रहा हूँ, देख ही रहे होगे। मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, पूरा ऑफरिंग जैसे चल रहा है हमारा। ठीक है गाइस, तो आगे जाके देख मिलते हैं। गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं वांगन वाटरफॉल, इस तरह से दिखता है। हाँ
गाइस हम लोग अभी आगे जा रहे हैं, मतलब कि ऊपर की तरफ, जो कि मेन वाटरफॉल जो जहाँ उसकी वाटर ये वाटरफॉल की स्टार्टिंग होती है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ताकि अच्छे से अच्छा व्यू आपको कंटेंट दिखा सके। तो हम लोग आगे जा रहे हैं और आगे जाते हैं। अरे यार टूरिस्ट, ओके एनीवेज कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। एंड आके और थोड़ा सा पब्लिक दिख रहा है यार, कोई नहीं देखा जाएगा। आगे चलता हूँ, आगे चलो। लोग आगे जा रहे हैं और देखो व्यूज़ अच्छा है, पब्लिक ने कवर कर लिया है। अरे वेदान कहाँ जा रहा है भाई? अच्छा उसका फ्रेंड मिल गया इसके। चलो कोई नहीं, उसको मिलने दो, हम आगे चलते हैं। चलो यार व्यूज़ तो बहुत बढ़िया आ रहा है, लेकिन यार एक बहुत, मतलब मुझे पर्सनली बहुत डिसअपॉइंटिंग थिंग लगे कि यहाँ पे मतलब टूरिस्ट बहुत ज़्यादा। हमने यहाँ बहुत सारा एंजॉय किया है, मेरा फ्रेंड वेदांत भी पीछे आ रहे हैं और बाकी के सब लोग भी पीछे आ रहे हैं। वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी तो हमने सोचा कि ज़्यादा यहाँ पे भीड़ नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ पुलिस कॉन्स्टेबल एंड ऑल यहाँ पे थे, तो कुछ भी मतलब क्या चलती है कोविड पैंडमिक, कोरोना चल रहा है, तो फिर खाली फुकट क्या इधर रुक के ज़्यादा भीड़ करेंगे तो हमको ही कुछ कुछ ना कुछ हार्मफुल होगा, इसलिए हम लोग यहाँ से निकल लिए। तो गाइस आगे मिलते हैं। गाइस मैंने वहाँ वाटरफॉल पे एक बात बताई आपको कि मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट टाइप कुछ फील हुआ और मेरा एक्चुअली मूड ख़राब हो गया, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मतलब इतना सारा पब्लिक इधर इकट्ठा हो जाएगा। और आपको तो पता ही अभी कोविड-19 पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, तो गाइस मतलब अनलॉक तो हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा भी टूरिस्ट आ रहे मतलब थोड़ा मुझे मूड आउट हो गया। तो हम लोग वहाँ से फटाफट निकल चुके, क्योंकि यार एक्चुअली में ये कोरोना है ना, किसी को मतलब ये जात पात धर्म कुछ भी देखता नहीं है, बस हो जाता है। तो अपन अपने फैमिली को क्या बोलेंगे, फिर बाहर घूमने गए और कुछ लेके आए घर पे फिर सब लोग को फैला दिया। तो गाइस एनीवेज किसी को बुरा लगा तो सॉरी। एनीवेज लेट्स गो गाइस, हमने आगे भी बहुत अच्छी अच्छी जगह देख के रखी है फोटोशूट करने के लिए, तो लेट्स गो। गाइस वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैंने चाहता आपको आप ज़्यादा बोर हो जाओ, तो अपन अभी अपना व्लॉग यहाँ पे एंड करने वाले हैं। सो गाइस हम लोग पहुँच गए अपना होम टाउन, मतलब कि वास्ता, किंग प्लेस वास्ता। वैसे तो मेरा ये होम टाउन नहीं है, लेकिन अब मैं यहाँ के रहने वाला हूँ। वैसे मैं गाँव में रहता हूँ, लेकिन अब सभी चीज़ तो पर्सनली मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो कहीं पे अपलोड नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते ना, तो इसलिए लेट्स गो अपना होम टाउन मतलब वास्ता। ओके गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आपको अपने भाई को सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका भाई अच्छा अच्छा कॉन्टेंट डालता है, अच्छा अच्छा एडिटिंग करता है। और कोई नहीं, ट्राई करना थोड़ा कोऑपरेट करना, क्योंकि अभी भी मैं इस फील्ड में एकदम नया हूँ। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग। एंड गाइस ये रहा आपका वास्ता टावर, जो कि वास्ता की एक पहचान है। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून, अगला व्लॉग जल्दी आएगा आई होप। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।